Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to science class. Today the topic that we are going to start is movements in animals. So let's start. Animals move from place to place in search of food, shelter, mates, and to escape their enemies. Different animals move in different ways. So yahan pe ye bataya gaya hai ki animals ek jagah se dusri jagah move kyun karte hain. क्योंकि वो मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, शेल्टर, साय की तलाश में, मेट्स मीन अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए एंड अपने दुश्मनों से बचने के लिए. एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज मीन अपने दुश्मनों से बचने के लिए. डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज मीन जानवर जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करने के लिए डिफरेंट वेज इस्तेमाल करते हैं. लाइक इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स. इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं उनके पास छह टांगे होती हैं. इंसेक्ट्स लाइक द एंट्स एंड कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स. क्रॉल वर्ड का मतलब होता है पेट के बल चलना, ठीक है, पेट के बल चलना, या हम ये कह सकते हैं कि रिंग कर चलना. इंसेक्ट और कॉकरोचेस जो होते हैं वो अपने पेट के बल जो है वो क्रॉल करते हैं, चलते हैं. ग्रास हॉपर हैव स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स. ग्रास हॉपर के पास जो होती हैं वो दो स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स होती हैं, ठीक है, हाइंड लेग्स होती हैं जिसकी मदद से वो क्या करता है, हॉपिंग करता है. हॉपिंग मीन उछलता है, उछलना. हॉपिंग मीन उछलना. मीन जो ग्रास हॉपर होता है वो उछल कर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. सो हाइंड लेग्स वर्ड का मतलब है पीछे वाली दो टांगे. Some insect like butterflies and dragonflies fly using their wings. Insect जैसे कुछ कीड़े होते हैं जैसे butterflies और dragonfly, ये अपने swings को मतलब अपने परों को इस्तेमाल करती हैं उड़ने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह move करने के लिए अपने swings का इस्तेमाल करती हैं. And then fish, whales and dolphins have fins for swimming in water. फ़िश, वेल और डॉल्फिन के पास जो होते हैं फिन्स होते हैं. फिन्स वर्ड का मतलब होता है, इसे आप मछली के बाजू भी कह सकते हैं या फिर फिन्स का मतलब पर भी होता है. ये फिन्स को इस्तेमाल करती हैं वाटर में स्विम करने के लिए. फ्रॉक्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. फ्रॉक्स के पास वेब्ड फीट होते हैं, ठीक है, पाँव होते हैं जिसके ज़रिए वो वाटर में स्विम करते हैं, तैरते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स. इनके पास मजबूत पिछली दो टांगे होती हैं. फॉर हॉपिंग ऑन द लैंड. ज़मीन पर मीन उछलने के लिए, ज़मीन पर उछल कर चलते हैं. सो उनके लिए इनके पास क्या होती हैं, हाइंड लेग्स होती हैं. टर्टल्स हैव पैडल लाइक लिम्स विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. लिम्स हम कहते हैं हाथों को और पाँव को. लिम्स पर हम किसको कहते हैं, अपने हाथों को और अपने पाँव को. आर्म्स जो हमारी होती हैं उनको हम फोर लिम्स कहते हैं और जो हमारी लेग्स होती हैं उनको हम हाइंड लिम्स कहते हैं. सो जो टर्टल होता है वो अपने लिम्स को मीन अपने हाथों को और अपने पाँव को इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो पानी में क्या करता है, स्विम करता है. स्विम मतलब तैरना. स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स फाउंड ऑन देयर बॉडी. स्नेक जो होता है वो मूव करता है स्केल की मदद से जो कि उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. जो परिंदे होते हैं वो अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, पंखों को इस्तेमाल करते हैं मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह. एंड दे यूज़ देयर लेग्स एंड फीट टू वॉक और हॉप. और ये अपनी टांगों को और अपने पाँव को इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए या फिर हॉप करने के लिए. हॉप मीन उछलना, एक जगह से दूसरी जगह उछल कर जाना. वाटर बर्ड्स लाइक द डक एंड स्वान हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. डक और स्वैन जो है उसके पास वेब्ड फीट हैं वाटर में स्विम करने के लिए, तैरने के लिए. मोस्ट मैमल्स हैव फोर लिम्स. डॉग्स एंड कैट्स यूज देयर लिम्स टू वॉक और रन. जो डॉग्स और कैट्स होती हैं वो अपने जो है फोर लिम्स को इस्तेमाल करती हैं चलने के लिए या फिर दौड़ने के लिए. रन मीन दौड़ना, वॉक मीन चलना. फोर लिम्स इस्तेमाल करती हैं अपने कैट्स एंड डॉग्स. इसके बाद ह्यूमन बींग्स यूज़ देयर लेग्स टू वॉक एंड हैंड्स टू होल्ड थिंग्स. हम इंसान, ह्यूमन बींग, हम इंसान जो हैं हम अपनी लेग्स को इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए और अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, मीन पकड़ने के लिए. पेंगुइन्स एंड सील्स हैव फ्लिपर्स टू स्विम इन वाटर. पेंगुइन्स और सील्स जो होते हैं उनके पास फ्लिपर्स मीन पंख होते हैं जिनकी मदद से वो वाटर में क्या करते हैं, तैरते हैं. Bats have four limbs modified into wings for flying. Bats are the only animals that can fly.
बैट्स जो होती हैं उनके पास फोर लिम्ब्स होती हैं। फोर लिम्ब मैंने जैसे आपको बताया कि फोर लिम्ब्स हम अपनी आर्म्स को कहते हैं, आर्म्स मीन हमारे बाजू। सो जो बैट होती हैं इनमें जो इनकी बाजू होती हैं वो कन्वर्टेड होती हैं विंग्स में। ओके, इनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये विंग्स इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद बैट जो है, बैट क्या है, बैट इज़ अ मैमल, वो वाहिद मैमल है बैट जो कि फ्लाई कर सकता है।